से जो नहायत मेहरबान हमेशा रहम फरमाने वाला है, हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा अहमद मुतबा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह आलिया में लाख दुरूद लाख सलाम सल्लल्लाहु अला मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। यूट्यूब के दोस्तों, क्या हाल है? उम्मीद खैरियत से होंगे। आप जा रहे हैं, खुश रहे, अल्लाह पाक आपको खुश रखे, आमीन। दोस्तों, हमने नमाज फजर अदा कर लिया, दुआ करते हैं अल्लाह पाक से, अल्लाह पाक आने वाला हर लम्हा हमारे हक में बेहतर आफियत वाला फरमाए और हमें हमारे कारोबार हमारे घरों में खैर बरकतें अता फरमाए, हमारे जानो माल की हिफाजत फरमाए, हमारी सारी मुश्किलों को आसान फरमाए, आमीन या रब्बल आलमीन। اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى سيدنا مولانا محمد وسلم یا الہی دعا سکونی مشکلات فیض حضرت محمد علیہ السلام۔ اللہ پاک ہماری مشکلوں کو آسان فرما، پریشانی کو دور فرما، ہمارے گھر میں خیر و برکت عطا فرما، ہمارے کاروبار میں خیر و برکت عطا فرما، ہمیں اپنی حفظ و امان میں رکھ، ہمارے کراچی شہر کو امن کا گہوارہ بنا دے، میرے مولا تمام لوگوں کا کاروبار چل جائے، جو کاروباری مسئلے ہیں سب حل ہو جائے، میرے مولا جتنے لوگ بے روزگار ہیں تمام کا روزگار مل جائے، میرے مالک سب کی پریشانیاں دور ہو جائیں، سب کے گھریلو مسئلے حل ہو جائیں، میرے مالک کرم فرما دے، فضل فرما دے، آمین یا رب العالمین۔ ان اللہ وملائکته یصلون علی النبی یا ایها الذین آمنوا صلوا علیه وسلموا تسلیما۔ اللهم صل علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد بارک وسلم۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو دوستو، اللہ پاک سے یہی دعا ہے کہ ہمارے ساتھ خیر و عافیت والے معاملات فرمائے اور ہماری پریشانی دور فرمائے۔ آؤ نماز پڑھیں اور دوسروں کو بھی نماز کی دعوت دیں۔ دوستو، آپ ہمارے چینل کے تھرو کسی طریقے کے لوگوں کو دعوت دیں، خود بھی نماز پڑھیں اور دوسروں کو بھی نماز کی دعوت دیں، ہمیں نیک کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔नाश्ता करेंगे इंशाल्लाह और इसके बाद भी रूटीन के हिसाब से अपना रोल बनाने का काम शुरू कर देंगे इंशाल्लाह। इस वक्त सुबह के 10 बज रहे हैं, अब आप नाश्ता कर रहे हैं, तो नाश्ता करने के बाद इंशाल्लाह हम अपने रोल का काम शुरू करेंगे। ये दोस्तों कर देते हैं, तो दोस्तों हमने ये देखे आलू का काम शुरू कर दिया, आपने आलू को बॉयल होते हुए देखा होगा। अब हम इसकी छीलेंगे और छीलने के बाद उसे क्रश करके फिर इसका मसाला बना के उसमें मसाला डाल के रोल बनाना शुरू करेंगे इंशाल्लाह। हमने ये काम अल्लाह का नाम लेके शुरू किया, ऐसी दुआ के साथ कि अल्लाह पाक हमारे कारोबार में खैर बरकत अता फरमाए। ठीक है दोस्तों, ये आलू क्रश करेंगे, अब देखे अजान हो रही है इंशाल्लाह, हमें काम करके नमाज ज़ुहर अदा करेंगे इंशाल्लाह। और वैसे आपने देखा हमने आलू उबाले, आपने आलू उबलते हुए भी देखे, फिर हमने आलू छीले, छीलने के बाद इसे क्रश किया, क्रश करने के बाद इसमें मसाला लगाया और मसाला लगा के उसको बिल्कुल ही तैयार कर रहे हैं। ये देखिए अभी बस कितना साफ़ सुथरा मसाला है, ये मार्केट में हर जगह इस तरह की चीज़ आपको अवेलेबल नहीं मिलेगी, हमारे यहाँ बिल्कुल घर की बनी हुई और साफ सुथरी चीज़ होती है। जैसे मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि अगर आप चाहें फ्रोजन आइटम तो हमसे ले सकते हैं, वैसे ही सर्दियाँ हैं, शाम को चाय के साथ लाजमी कोई ना कोई चीज़ खाने के लिए चाहिए होती है, तो आप चाहें तो फ्रोजन आइटम में घर में रख लें और लेके फ्राई कर लें। इसका पैकेट आपको मिल जाएगा 200 रुपए का, 12 पीस का। और अगर नाजमाबाद वाले हैं जो मेरे घर के नज़दीक हैं, नाजमाबाद पापोश गोल मार्केट, वो अगर फ्राई किया हुआ लेना चाहें तो मुझसे फ्राई किया हुआ भी ले सकते हैं, फ्राई किए हुए आपको 300 रुपये के 12 पीस मिल जाएंगे। ये घर का बना हुआ बेहतरीन और बहुत लाजवाब जायका है इसका, आप एक दफ़ा टेस्ट करें इंशाल्लाह आपको बहुत ही पसंद आएगा। अब नमाज ज़ोहर का वक्त हो रहा है तो हम नमाज ज़ोहर अदा करेंगे इंशाल्लाह। ठीक है दोस्तों, आओ नमाज पढ़े और दूसरों को भी नमाज की दावत दें।
मसाला माशाल्लाह कितना स्पाइसी होगा, बेहतरीन मसाला बनेगा ये। और ये रोल बनने के बाद इसका टेस्ट बहुत ही प्यारा बनेगा। सेटिंग करके अभी मसाला पूरे में पहुंच जाएगा। ये हमारा रोल हो गया रेडी। ठीक है व्यूअर्स, तो ये आपको वीडियो दिखाने का मकसद सिर्फ यही है कि वीडियो देखें आप, और अगर हम ऑर्डर करना चाहें तो बिल्कुल ऑर्डर करें। और ये ब्लॉग बनाने का तो मकसद आपको पता है, आए नमाज पढ़े और दूसरों को भी नमाज की दावत दें। तो इंशाल्लाह उम्मीद है आप मेरे चैनल को ज़रूर ज़रूर शेयर करेंगे, क्योंकि जितने लोग ये देखेंगे उनका सवाब जारी आपको और मुझे, हम दोनों को मिलता रहेगा। तो आप लोग, मुझे उम्मीद है कि आप लोग इंशाल्लाह मेरे चैनल को ज़रूर ज़रूर शेयर करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो भी बस अपने लिए अपने काम के अंदर थोड़ी देर का ब्रेक, अब आप करेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम। दोपहर के खाने का वक्त हो चुका है, चलो खाना खाएँगे। अल्लाह पाक हमारे दस्तरखान में खैर बरकत अता फरमाए। आमीन या रब्बुल आलमीन। اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى ال سيدنا مولانا محمد المبارك والسلام। यूट्यूब के दोस्तों क्या हाल है आपके, उम्मीद है खैरियत से होंगे। आज हमारे ब्लॉग का टाइम पूरा हो रहा है दोस्तों, तो आप मेरे चैनल को जितना हो सके इतना शेयर करें और नमाज पढ़ें और दूसरों को भी नमाज की दावत दें। तो दोस्तों आज मैं रेसिपी चैनल की जानिब से जो नई डिश बनाई गई है वो इंशाल्लाह एक दो दिन में हम अपलोड कर देंगे, आप लोग देखिएगा, ज़रूर देखिएगा इंशाल्लाह। घर में बनाइएगा, सस्ती और अच्छी और बहुत ही बेहतरीन डिश बनी है ये। ये देखिए, ये है वाइट आलू मटर पुलाव। ठीक है दोस्तों, इसके अंदर इतना खर्चा भी नहीं आता, हर आदमी अफोर्ड कर सकता है। आजकल इस महंगा के दौर में हर आदमी इस चीज़ को अफोर्ड कर सकता है। और हमारे चैनल पर वैसे भी वही रेसिपी दिखाई जाती है, बना के दिखाई जाती है जो हम घर में खुद इस्तेमाल करते हैं। ठीक है दोस्तों, तो इंशाल्लाह आप इस चैनल को भी लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल के आइटम को लाजमी दबाएं। अल्लाह पाक हमारे दस्तरखान में खैर बरकत अता फरमाए, और अल्लाह पाक हमारी जानो माल इज्जत आबरू की हिफाजत फरमाए, और अल्लाह पाक हमें अपनी हिफ्ज़ अमान में रखे। आमीन या रब्बल आलमीन।